हेलो बच्चों, कैसा है आज का दिन? कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आज रोटेशनल मोशन का वीडियो नंबर 16 है और आज प्योर रोलिंग में जो फोर्सेस लगती हैं उनकी बातें करेंगे। अगर आपको प्योर रोलिंग के बेसिक कंसेप्ट पता है तो इस वीडियो को स्टार्ट करें, नहीं पता है तो रोटेशनल मोशन का वीडियो नंबर 15 यूट्यूब पे टाइप करना है, रोटेशनल मोशन 15 साथ में लगा दें, फिजिक्स वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। इस सीरीज का मैंने नाम रोलिंग सीरीज भी दिया है, रोलिंग सीरीज का ये फोर्थ वीडियो है। तो 1 2 3 देखें सर। देखो अगर तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है 1 2 3 देखो, अगर जल्दी जल्दी निपटाना है तो 3 और 4 देख लो, रोलिंग सीरीज पूरा तैयार हो जाएगा 3 और 4। इसके बाद अभी एक और आएगा 5, जिसमें इंक्लाइन प्लेन पे प्योर रोलिंग की बातें करेंगे। आज का वीडियो अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट है। जिनको प्योर रोलिंग एकदम आइडिया नहीं है उनको इसका पिछला वीडियो देख लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं ये करूंगा कि पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्योर रोलिंग का कंसेप्ट समझा दूंगा कि कई लोग नए होंगे, उसके बाद प्योर रोलिंग में फोर्सेस कैसे लगती हैं, उसमें फ्रिक्शन का क्या क्या रोल होता है इनकी बातें करेंगे, 2-3 क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन हम आपको करने को देंगे, बीच में एक होमवर्क क्वेश्चन भी है उसका आप आंसर कॉमेंट करेंगे। क्वेश्चन सारे HC वर्मा या तो अनुराग मिश्रा की किताब मैकेनिक्स वाली या तो DC पांडे सर की किताब से उठाए गए हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो देखें इस वीडियो को और पढ़ाई करें, कॉपी पेन निकाल लें और इधर अगल बगल के डिस्टर्बेंस को बंद कर दें और कोशिश करें वीडियो को एक बार में कंप्लीट कर। तो मेरा नाम है अलक पांडे और हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, पढ़ाई लिखाई चल रही, प्यार मोहब्बत चल रहा, जिंदगी बढ़ रही। तो प्योर रोलिंग में आज फोर्सेस की बात करेंगे हम। बच्चों प्योर रोलिंग बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। अगर आप मेरे रोलिंग सीरीज के लेक्चर रोटेशन के पिछले वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा। तो प्योर रोलिंग बच्चों वो केस होता है जब कोई बॉडी मान लो वी वेलोसिटी से आगे भाग रही, उसका सेंटर ऑफ मास वी वेलोसिटी से आगे भाग रहा और ओमेगा से रोटेट कर रही। मान लेते हैं इस बॉडी का रेडियस आर है, ये बॉडी रिंग स्फीयर शेल डिस्क सिलेंडर कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोअर मोस्ट पॉइंट की बात करें जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ है, वो पॉइंट आगे भागना चाहेगा VCOM से, क्योंकि पूरी बॉडी V वेलोसिटी से, इस V वेलोसिटी से आगे भाग रही तो ये पॉइंट भी आगे भागना चाहेगा V वेलोसिटी से। गोल गोल घूमने की वजह से सुरखचाक यहां पे एक वेलोसिटी इसको और मिलेगी, कौन सी? R ओमेगा वाली टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये गोल गोल घूम रहा तो यहां R ओमेगा। बच्चों प्योर रोलिंग का मतलब होता है जब कोई बॉडी रोल करे विदाउट स्लिपिंग, मतलब इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्लिप ना करे। स्लिप मतलब ना आगे की तरफ घिसे ना पीछे की तरफ घिसे, स्मूथली एकदम प्रेम से घूमता हुआ आगे बढ़े। अगर ये स्पीड इस स्पीड से ज्यादा हुई तो ये आगे की तरफ स्लिप करेगा और यदि ये वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा हुई तो ये पीछे की तरफ स्लिप करेगा। मतलब प्योर रोलिंग के लिए हम बोलेंगे VCOM, ये स्पीड और ये स्पीड बराबर हो जिससे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की स्पीड या वेलोसिटी कितनी हो? जीरो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमेशा जीरो नहीं होगी, पिछले वीडियो में सिखाया है, प्योर रोलिंग का पिछला वीडियो जरूर देखें, ये मैं ये वाला वीडियो है और बहुत ही प्यारा वीडियो है प्योर रोलिंग का पिछला वीडियो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया उसको देखने के लिए। तो खैर आज की बात करते हैं, हम मानते हैं कि यहां पे जो ग्राउंड है वो रेस्ट पे है, तब तो यही कंडीशन होगी, ग्राउंड भी मूव कर रहा होता तो कुछ और कंडीशन होती। तो ये तो स्पीड की बात हुई, आज हमको फोर्सेस की बात करनी है और भाई फोर्सेस से जुड़ा है एक्सेलरेशन। तो प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन की बात करूं मैं, मान लो ये जो भी बॉडी है वो ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रही, मान लेते हैं ये है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
और घूमते वक्त जो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा है, मतलब एंगुलर स्पीड इसकी चेंज हो रही। अगर लोअर मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये आगे की तरफ भागना चाहेगा ए एक्सेलरेशन से, इस वाले एक्सेलरेशन से, क्योंकि पूरी बॉडी ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही। अगर इसका रेडियस आर है तो यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और आएगा घूमने की वजह से, ए सुर इधर की तरफ, कितना होगा वो आर अल्फा। ये सब तो पढ़ रखा है रोलिंग में कि लोअर मोस्ट पॉइंट क्योंकि सेंटर ऑफ मास ए से आगे भाग रहा तो लोअर मोस्ट पॉइंट भी ए से आगे भागना चाहेगा, और घूमने की वजह से इसको एक एक्सेलरेशन और मिलेगा आर अल्फा। अगर प्योर रोलिंग है बच्चों तो ए सी ओ एम किसके इक्वल होगा आर अल्फा, या ये बोल सकते हो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का एक्सेलरेशन, मत बोलना का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जीरो। अगर आपने कहीं पढ़ा है कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो वो गलत है ना, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नहीं, इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो। यार एक एक्सेलरेशन इसके पास अभी और है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अरे ये पॉइंट गोल गोल घूम रहा, ये पॉइंट सारे पॉइंट गोल गोल घूम रहे, और जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है तो एक एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन आज भी इसमें प्रेजेंट है। उसका प्योर रोलिंग से कोई लेना देना नहीं। तो अगर कोई बोलता है या कहीं ट्रू फॉल्स में आपको मिलता है जेई में, एम्स में, अजर्शन रीजन में मिलता है कि ड्यूरिंग प्योर रोलिंग द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जीरो, इट इज फॉल्स, स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो, सेंट्रीपिटल तो जिंदा होगा। क्यों जिंदा होगा यह भी बता चुका हूं मैं भाई, ये स्फीयर गोल गोल, स्फीयर डिस्क रिंग जो समझना है समझो, ये गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ रहा, इस पॉइंट का यदि एक्सेलरेशन जीरो है, इस पॉइंट की यदि वेलोसिटी भी जीरो है, तो ये पॉइंट आगे जा कैसे रहा, ये पॉइंट तो रुका रहेगा ना, फिर बॉडी आगे कैसे जाएगी यार। इस पॉइंट की स्पीड भी आपका टीचर बोल रहा है जीरो, और बोल रहा है इसका एक्सेलरेशन भी जीरो, तो ये पॉइंट आगे क्यों गया, इस एक्सेलरेशन की वजह से, इस एक्सेलरेशन की वजह से ये पॉइंट ऊपर उठेगा खुटुक, और ऊपर उठ के इधर आएगा, फिर ये पॉइंट बनेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फिर इस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, ये ऊपर उठेगा, फिर ये पॉइंट बनेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फिर इस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, ये ऊपर, और इस तरह से ये वाला पॉइंट हमेशा सिर्फ ऊपर उठेगा और अगला पॉइंट आएगा और बॉडी आगे रोल करती जाएगी। बाकी किसी पॉइंट की स्पीड जीरो नहीं है, वो तो चल रहे, ये पॉइंट ऊपर उठ के अगले पॉइंट को नीचे ले आएगा, फिर उठ के अगले पॉइंट को नीचे। तो ये दो कंडीशन थी प्योर रोलिंग की जो हमें क्लियर हुई, और ये कंडीशन तब सही है जब ग्राउंड हमारा रेस्ट पे है, जिस प्लेटफॉर्म पे प्योर रोलिंग हो रही वो रेस्ट पे है, जो कि 95% केस में होता है। आज हमें इसके बारे में बात नहीं करनी, ये तो हमने इंट्रोडक्शन दिया, आज बात करनी है फोर्सेस के बारे में। आइए जल्दी से फोर्सेस के बारे में आपसे हम प्यारी प्यारी बातें करें, और बहुत ही प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल एच सी वर्मा से निकाल कर या श्री डी सी पांडे किताब से निकाल कर आपको कराए जाएं। अच्छा चलो मान लेते हैं यहां मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, डिस्क, स्फीयर, रिंग, शेल, सिलेंडर, कुछ भी, और ये ग्राउंड पे रखा है। मान लो यहां पे एक फोर्स लग रही है कैपिटल एफ, बॉडी का मास एम मान लो, रेडियस आर मान लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लो। इस फोर्स एफ की वजह से ये बॉडी दो मोशन कर सकती है, एक तो ये सीधा चलेगी और एक ये गोल गोल भी घूमेगी, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये फोर्स टॉर्क बना लेगी, बनाएगी कि नहीं, अरे यार इसके अबाउट, ये देखो ये रेडियस आर है, कुचूक घुमा देगी। ये फोर्स अगर सेंटर ऑफ मास पे लगती तो बॉडी सीधा सीधा मोशन करती, क्योंकि तब टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो होता, पर ये फोर्स अगर सेंटर ऑफ मास को छोड़ के कहीं पे भी लगेगी तो टॉर्क बनाएगी।
तो ये दो मोशन करने वाले हैं, एक तो ट्रांसलेशन सीधा वाला और एक रोटेशनल। अगर ट्रांसलेशन मोशन की बात करें तो जो फोर्स लग रही इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, रोटेशनल मोशन की इक्वेशन क्या होती है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। टॉर्क कितना बनेगा, यहां से देखो यार ऊपर ले लो ये एफ, तो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब बातें आप पढ़ चुके हो, आर क्रॉस एफ, तो ये बनेगा आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज टॉर्क। दिख भी रहा है ये फोर्स इसके अबाउट कैसे घुमाएगी, किचुक किचुक क्लॉकवाइज घुमाएगी। तो टॉर्क हमको मिला आर क्रॉस एफ और वो आर एफ आ जाएगा क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, साइन 90 इज 1 इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, सही है। अब अगर प्योर रोलिंग चाहिए या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चाहिए, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग प्योर रोलिंग, तो इस पॉइंट को आओ भाई साहब, इस फोर्स को लगने से सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ा ए एक्सेलरेशन से, और इस टॉर्क की वजह से कुटुप कुटुप इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आया। लोअर मोस्ट पॉइंट आगे जाना चाहेगा ए एक्सेलरेशन से और एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से पीछे भागेगा आर अल्फा से, ठीक है ठीक है। अब बात आती है कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं, क्या प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन होता है कि नहीं, होता है। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि होता है, पर वो चीज आगे समझ में आएगी, आज समझ में आएगी फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा, देखते हैं। मैं तीन बातें आपसे यहां पे करूंगा मेरे नन्हे मुन्ने और बदमाश और हमारे भारत का भविष्य बनाने वाले बच्चों। अगर ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा होता है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी इज जीरो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी तो इसकी जीरो है ही है, क्यों जीरो है वेलोसिटी, अरे यार ये ए क्या होता है डीवी बाय डीटी इज इक्वल्स टू आर, अल्फा क्या होता है डी ओमेगा बाय डीटी, डीटी डीटी मर गया तो आप देख रहे हो डीवी इज इक्वल्स टू आर डी ओमेगा, इंटीग्रेट कर दोगे v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, जितनी स्पीड आगे उतनी स्पीड पीछे, तो हम ये भी समझ गए वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p इज जीरो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। खैर क्लियर, मिटा दें इसको, बहुत छोटी सी बात थी। अच्छा अगर ऐसा होता है तो लोअर मोस्ट पॉइंट, समझो कंसेप्ट कंसेप्ट, लोअर मोस्ट पॉइंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना आगे भागा ना पीछे भागा, लोअर मोस्ट पॉइंट की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो है, मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ग्राउंड, ग्राउंड और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं, कोई घिसना नहीं हो रहा, वो उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रुका है। क्या इस केस में फ्रिक्शन लगेगा, नहीं, फ्रिक्शन का काम होता है रिलेटिव मोशन को रोकना, यहां कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, तो इस केस में हम बोल सकते हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी जीरो, क्लियर पक्का। अगर a इज इक्वल टू आर अल्फा है तो डेफिनेटली वेलोसिटी इस पॉइंट की जीरो, एक्सेलरेशन इस पॉइंट का जीरो, यानी ये पॉइंट ना आगे खिंच रहा ना पीछे खिंच रहा, सिर्फ गोल गोल घूम रहा, इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई घिसना कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, नहीं है तो फ्रिक्शन क्यों आएगा, फ्रिक्शन को भैया तभी टेंशन होती है जब रिलेटिव मोशन हो। पर पारा पर इफ ए इज लेस देन आर अल्फा, अब सोचने वाली बात है, क्या ए हमेशा आर अल्फा के इक्वल होता है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है बच्चों का, रोटेशन देखते हैं ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा लिख देते हैं, क्यों भाई है? हनुमान जी ने ऐसा थोड़ी ना कहा है कि ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा होता है, कि मान लिया हमने, क्या पता ए छोटा हो आर अल्फा से, ठीक है भाई ए छोटा है, ए अगर आर अल्फा से छोटा है तो ये पॉइंट पीछे की तरफ भाग रहा होगा, दिस पॉइंट मस्ट बी ट्राइंग टू गो बैकवर्ड, भाई ये एक्सेलरेशन बढ़ा है तो ये पीछे की तरफ घिस के जाना चाह रहा होगा, अब फ्रिक्शन को टेंशन होगा, फ्रिक्शन कहेगा कि ये पॉइंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पीछे भाग रहा तो हम किधर लगे, आगे। इस केस में फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, इतना फ्रिक्शन लगेगा, कितना लगेगा,
फ्रिक्शन का जिंदगी का मकसद क्या है, वो पैदा किस लिए हुआ है फ्रिक्शन? रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए। तो इतना फ्रिक्शन लगेगा कि पी पॉइंट का एक्सेलरेशन वापस जीरो कर दे। भाई आर अल्फा बड़ा, ये पीछे भागना चाह रहा तो फ्रिक्शन आगे लग जाएगा, कहेगा हां भाई हम आगे लग गए, इसको हम सपोर्ट कर दिए, ए इज इक्वल टू आर अल्फा हो गया। अगला सवाल, ये फ्रिक्शन कौन सा है? क्या ये म्यू एम जी वाला फ्रिक्शन है या ये स्टैटिक फ्रिक्शन है? सोच के आंसर, सब कंसेप्ट है, सब कंसेप्ट है, सोच के आंसर देना। इस फ्रिक्शन के लगने के बाद ये पॉइंट क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव करेगा? नहीं, मतलब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा। अगर ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, कोई मोशन नहीं है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ। काइनेटिक तो तब लगता जब ये घिस के आगे बढ़ता, मतलब दिस फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? मैंने कहा आर अल्फा बड़ा, ये पीछे की तरफ घिस रहा था तो फ्रिक्शन आगे लगा, फ्रिक्शन आगे उतना लगेगा। फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, खुद से अपनी वैल्यू को चेंज करता है, तो आगे उतना ही फ्रिक्शन लगेगा जिससे ये प्योर रोलिंग में आ जाए, जिससे एक्सेलरेशन इसका। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, हाँ उसकी एक फाइनल वैल्यू होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, उससे ज्यादा नहीं लग सकता है ना। तो प्योर रोलिंग हो जाए ये गारंटी नहीं देता फ्रिक्शन। तुम ऊपर बहुत बड़ी फोर्स लगा, तुम एक बॉल पकड़ो ऊपर एक बहुत कस के खींच दो तो घिसने लगेगी यार। तुम इतनी फोर्स लगा दो कि फ्रिक्शन नहीं संभाल पाएगा उसको, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक उसकी भी एक औकात है, उसकी एक लिमिट है, उसके आगे नहीं जा सकता वो, ठीक है। तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, अपनी लिमिट तक संभाल लेगा प्योर रोलिंग। तो ऊपर वाले पॉइंट को बहुत तेज खींचोगे तो स्फीयर घिसता हुआ तो आगे आएगा, तब तो वो घिसने लगेगा। आ गया, बहुत बढ़िया बच्चों। तीसरा पॉइंट, ए इज ग्रेटर देन आर अल्फा, आप समझ गए होंगे। ए बड़ा है आर अल्फा से तो स्फीयर आगे घिस रहा होगा, स्फीयर रिंग डिस्क आगे घिस रहा होगा। फ्रिक्शन को लगेगा ये पॉइंट आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे, सच दैट एपी को जीरो कर दे, और उतना ही फ्रिक्शन लग पाएगा जितना स्टैटिक दे सकता है। मान लो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया, पीछे की तरफ मैक्सिमम वैल्यू लगा दिया, आर अल्फा को पूरा सपोर्ट कर दिया, फिर भी ए ज्यादा है तो कुछ नहीं यार, फिर तो जिंदगी के दिन भर गए, फिर यह घिसता हुआ ही आगे जाएगा, फ्रिक्शन नहीं बचा पाएगा। फ्रिक्शन काइनेटिक में चेंज हो जाएगा, बॉडी चलने लगेगी, घिसने लगेगी, चल तो रही है, ये पॉइंट घिस घिस के आगे बढ़ेगा स्लिप करके, और फ्रिक्शन की कहानी, खेल खत्म हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज। तो एक लिमिट तक फ्रिक्शन प्योर रोलिंग को संभाल सकता है, ये नहीं कि संभाल ही लेगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमें सोचना पड़ेगा, अगर ये कंडीशन है तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, ये कंडीशन है ये फोर्स ज्यादा है, सॉरी ये फोर्स ज्यादा है तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, ये कंडीशन है ये वाला फोर्स ज्यादा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। सो फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी यहां पे वेरिएबल, फ्रिक्शन की वैल्यू भी यहां पे वेरिएबल। देखेगा कितना डिफरेंस है उसके हिसाब से लगेगा, वैल्यू भी वेरिएबल, कितना कम ज्यादा हो रहा है संभाल लेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। बड़ा खूबसूरत खेल है। और लास्ट में आप ये भी बोलोगे कि भाई प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग तभी तक होगी बच्चों, लिख लो इसको, टाई या नॉट, गांठ बांध लो इस बात की, टाई या नॉट, प्योर रोलिंग तभी तक हो सकता है जब तक ये फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू एन। म्यू एन क्या होता है याद है? चल हटा, म्यू एन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू जो तुम्हें चाहिए वो बहुत ज्यादा है, वो इतनी ज्यादा है कि म्यू एन से भी ज्यादा है, तो उतना फ्रिक्शन तो मिल ही नहीं सकता, फिर बॉडी घिस के आगे बढ़ेगी, फ्रिक्शन काइनेटिक। और अगर अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो प्योर रोलिंग नहीं हो सकती। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब ही है कि रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया, प्योर रोलिंग नहीं हो सकती। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बचाएगा, इस लिमिट तक बचा लेगा, इसके बाद बचा नहीं पाएगा। तो ये पूरा कंसेप्ट खत्म, बिलीव मी, इसको नोट कर लो, खत्म फोर्सेस इन प्योर रोलिंग। इससे ज्यादा एक कंसेप्ट नहीं है प्योर रोलिंग में फोर्सेस का, खत्म। रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, खत्म। सब यही कंसेप्ट था जितना है। अब इसी में मैं कहानियां करूंगा, क्वेश्चंस दूंगा, चले आगे बढ़े, मिटार दें। तो कभी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, कभी आगे लगेगा, कभी पीछे लगेगा, और एक लिमिट के बाद संभाल नहीं पाएगा। इतनी बातें हुई, आइए अब कुछ सवालों के थ्रू इसको समझें, जो मेरा हमेशा एक तरीका रहा है कि इन्हीं बातों को सवालों के थ्रू समझना। आइए, अब हमने आपको बोल दिया पहले से, फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, हमने आपको यह चीज बोल दी है, फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग
आओ देखते हैं। मान लो यहां हमारे पास एक रिंग है। अब मैं ऑब्जेक्ट को बता दिया कौन सा है, एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है। यह रिंग एक ग्राउंड पे रखी है जो रेस्ट पे, ग्राउंड रेस्ट पे है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं जो भाग रहा, यह रेस्ट पे। इस रिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैंने एक कैपिटल F फोर्स लगाई। आप मुझे यह बताओ, फॉर प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग व्हाट इज एक्सेलरेशन इसका, व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तीन सवाल बार बार आएंगे, तीन वेरिएबल रहेंगे हमारे पास और तीन इक्वेशन भी मैं दिखाऊंगा कहां कहां से आएगा। एक पूछा इसका एक्सेलरेशन बताओ, एक बोला फ्रिक्शनल फोर्स बताओ, एक बोला अल्फा बताओ। अब आप कहोगे सर हमें पता नहीं फ्रिक्शन किधर लगेगा, क्या पता फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप एक काम करना, फ्रिक्शन को ऐसे आगे की तरफ मान लो खुद से, चलो नहीं लगेगा तो जीरो आएगा, इधर लगेगा तो पॉजिटिव और पीछे लग रहा होगा तो अपने आप नेगेटिव। फिजिक्स है ना भैया, ऐसा थोड़ी ना कि संभाल नहीं पाएगा। चलो ये रेडियस आर, ये रेडियस आर। पहली इक्वेशन लिखो इसके ट्रांसलेशन मोशन की, इसका सेंटर ऑफ मास मान लो ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा तो नेट फोर्स कितनी हुई, एफ प्लस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ये, ठीक है। दूसरी इक्वेशन लिखते हैं इसकी, टाओ इज इक्वल टू आई अल्फा वाली, टाओ इज इक्वल टू आई अल्फा वाली, यहां लिखूंगा मैं, यहां पे बना दिया। टॉर्क बताओ कितना होगा, देखो ये वाला टॉर्क कैसे घुमाएगा और ये वाला टॉर्क कैसे, अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये वाला टॉर्क कैसे घुमाएगा और ये वाला टॉर्क, तो दोनों अपोजिट है। अबाउट सेंटर ऑफ मास इसका टॉर्क होगा एफ इंटू आर, क्लॉकवाइज टॉर्क, और इसका टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज, माइनस एफ इंटू आर। यहां कई बुद्धिजीवी आएंगे बोलेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क तो पॉजिटिव होता है, आपने नेगेटिव क्यों लिया। यार देखो हमें पता ही ऐसे घूम रहा है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए आगे है तो हमें जो अल्फा चाहिए होगा वो ऐसे ही चाहिए होगा प्योर रोलिंग के लिए। वो ऐसा नहीं कह रहा कोई भी मोशन है, वो बोल रहा है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग चल रही है। तो डेफिनेटली अगर ए इधर है इसका, देखो तो इस पॉइंट का ए इधर है तो अल्फा ऐसे होगा तभी तो ये आर अल्फा मिलेगा है, अल्फा ऐसे होगा तभी तो आर अल्फा, मतलब अल्फा कैसा होगा क्लॉकवाइज, तो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। इतना दुखी मत हो उसमें है, थोड़ा साथ दे दो। हमने कहा कि चलो यार ये ए ऐसे भाग रहा तो आर अल्फा पीछे चाहिए तो अल्फा ऐसे ही होगा तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। अब उसके हिसाब से इक्वेशन लिख रहे, एफ इंटू आर पॉजिटिव माइनस एफ इंटू आर इज इक्वल टू, आपको नेट टॉर्क किस डायरेक्शन में चाहिए, क्लॉकवाइज चाहिए तभी तो आर अल्फा पीछे मिलेगा। आई अल्फा, आई कितना होगा एम आर स्क्वेयर, रिंग के लिए आई की वैल्यू एम आर स्क्वेयर इंटू अल्फा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, वेरिएबल है तीन। अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा तो इक्वेशन नंबर थर्ड आएगा, यहां लिखूं साइड में ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा, ये दोनों एक्सेलरेशन बराबर तभी तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो। इक्वेशन नंबर थर्ड, इसके सिवा प्योर रोलिंग में फोर्सेस से रिलेटेड और कोई कंसेप्ट है ही नहीं, खत्म। ये तीन चीज सीख गए, पर ध्यान देना कि लिखा हो कि प्योर रोलिंग हो रही, नहीं हो रही तो ये वाली कंडीशन नहीं लगा सकते, बाकी दोनों तब भी लगेगी। छोटी छोटी चीजें स्टार्टिंग से एकदम अच्छे से करके चलो, वरना अच्छे सवाल नहीं हिलेंगे। मैं क्या कह रहा, अगर प्योर रोलिंग नहीं हो रही तो ये कंडीशन नहीं लगेगी, बाकी दोनों तो तब भी सही है, ठीक। पर ये तो बोल रहा है प्योर रोलिंग, तो अल्फा की वैल्यू हो गई ए बाई आर, तो यहां पे अल्फा की जगह रख दो ए बाई आर। सो एफ आर माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, अल्फा की जगह ए बाई आर, यार से यार मरा, एक आर से ये आर से ये आर मरा। सो एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, एक इक्वेशन ये बची, एक इक्वेशन ये बची। अब प्यारे बच्चों इन दोनों इक्वेशन से आप सारे आंसर निकाल सकते हो। चलो ए की वैल्यू बताओ कितने आएगी, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जोड़ दो, एफ से एफ कैंसिल, एफ एफ टू एफ, एम ए एम ए टू एम ए,
इस इक्वेशन को जोड़ दो, एफ से एफ मर गया, कैपिटल एफ टू एफ, एम एम ए टू एम ए, टू टू कैंसिल, एफ इज इक्वल टू एम ए, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, कैपिटल एम है, अच्छा एफ बाई एम, सही है। दोनों को जोड़ दे भाई, यहां कर लू, चलो आओ, इन दोनों को मैंने जोड़ा, F plus F is equals to MA, F minus F is equals to MA, दोनों को मैंने जोड़ा और काटा और पीटा और उसके बाद समझ में आया कि F is equals to MA, A is equals to F by M। अब बात आई फ्रिक्शनल फोर्स की, कुछ नहीं करना है, F की जगह MA रख दो या A की जगह F by M, जो चाहो जो चाहो, A की जगह रखो F by M, यहां रखें, ये मिटा रहे, तीसरी कंडीशन लिख लो पहले, कंडीशन नंबर वन सीधे सीधे मोशन से ट्रांसलेशन से, दूसरी वाली रोटेशनल से, जिस डायरेक्शन में घूम रहा उसको टॉर्क को पॉजिटिव मान लो, फिर तीसरी कंडीशन प्योर रोलिंग की, ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा, अल्फा की जगह ए बाय आर रख दो, ठीक। अच्छा अब क्या पूछ रहा फ्रिक्शनल फोर्स, तो यार ए की वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू पहली क्वेश्चन रख दो, एफ प्लस एफ इज इक्वल टू एम ए, ए की जगह F by M, M से M मर गया, F से F मर जाएगा, फ्रिक्शन इज जीरो, फ्रिक्शन की जरूरत है ही नहीं, मैंने कहा था कभी कभी फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी पड़ेगी, कभी पीछे कभी आगे, फ्रिक्शन जीरो आ गया, खेल खत्म। यहां देखो इसका एक्सेलरेशन इस बार कितना आ रहा, F by M, और अल्फा देखना अपने आप क्या आएगा, R, सॉरी अल्फा अपने आप देखना कितना आएगा, एम एफ बाई आर आ जाएगा, क्लियर, पक्का अल्फा यही आएगा, एम बाई एफ आर, सॉरी छी 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 छी, एफ बाई एम आर, आर अल्फा की वैल्यू बताओ, आर अल्फा की वैल्यू बताओ, आर से आर मर जाएगा, आर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, आर इंटू दिस, आर से आर मर गया, एफ बाई एम, आगे भी एफ बाई एम, नेट एक्सक्लेमेशन जीरो, चाहो तो अल्फा निकाल लो, अल्फा की वैल्यू क्या थी, ए बराबर आर, ए की वैल्यू कितनी है, एफ बाई एम बटे आर, तो देखो आ गया कि नहीं हुई, तभी तो आर अल्फा ए को कैंसिल करेगा, तभी तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो हुआ, और तभी तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या मैंने पहले से कोई चीज प्रेडिक्ट की, नहीं की, मैंने बोला फ्रिक्शन को आगे मान लो, एक ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन, एक रोटेशनल मोशन की इक्वेशन, एक ए इज इक्वल टू आर अल्फा वाली लगाई प्योर रोलिंग की इक्वेशन, इक्वेशन ये लगाओ, इक्वेशन ये लगाओ, और ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, पूरी इंसाफ हो गया, क्लियर, इस केस में कोई फ्रिक्शन नहीं आया, मिटा दूं, ओके। चलिए अब दूसरा सवाल लेते हैं, इस बार कुछ वैल्यू वैल्यू डाल देते हैं, ये एफ एम थोड़ा सा दिमाग को अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा सर दिल को थोड़ा सा मजा नहीं आया सर, हाँ दिल सर टूट गया, सर टूट गया दिल। चलो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग फिर से पूछा है, व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, नहीं व्हाट इज लीनियर एक्सेलरेशन, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, धोखा दिया सर उसने मुझे, छोड़ के चली गई, बहुत रोया मैं चलो देखो, आओ मानो मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, यह मजबूत सॉलिड स्फीयर जिसका मास है 5 kg, जिसका रेडियस है 1 meter, ठीक, और यहां पे एक फोर्स लगा दी मैंने 10 न्यूटन की, सारे सवाल वही हैं, ए अल्फा और एफ निकालना है, चले करें मेरे साथ, ट्राई करेंगे, चाहो तो पॉज करके ट्राई कर लो, चाहो तो पॉज करके ट्राई कर लो, मैं स्टार्ट करने जा रहा, ओके भाई साहब, हमने मान लिया फ्रिक्शन आगे लग रहा, जीरो आना होगा जीरो आएगा, पॉजिटिव आना पॉजिटिव, नेगेटिव आना नेगेटिव, उसकी मर्जी, 10 प्लस एफ की वजह से इसको आगे की तरफ एक्सेलरेशन मिली ए, तो हमने लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास की वैल्यू कितनी है 5, रख देते हैं 10 प्लस एफ इज इक्वल्स टू 5a, इक्वेशन नंबर 1 ट्रांसलेशन मोशन से हमें मिली। अब रोटेशन की बात करते हैं, ये पॉइंट ए एक्सेलरेशन से आगे भाग रहा, तो डेफिनेटली अल्फा ऐसा हो तभी मजा आएगा, ताकि पीछे की तरफ क्या मिले आर अल्फा, अभी सवाल बदलेंगे, अभी सवाल बदलेंगे, अभी सोचना पड़ेगा अल्फा किधर, सब हो जाएगा तभी मजा आएगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क हमको चाहिए टोटल, तो टाओ इज इक्वल टू आई अल्फा लगाओ,
चलो ये हुआ रेडियस, ये हुआ रेडियस, इसकी वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क कितना बना 10 इंटू आर, और इसकी वजह से सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना माइनस एफ इंटू आर, इसको नेगेटिव लिखा क्योंकि ये उसको कैंसिल कर रहा, अल्फा को अपोज कर रहा, इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। चलो वैल्यू रखते हैं आई वगैरह की, सॉलिड स्फीयर का आई कितना होता है सबको पता है, 2/5 एम आर स्क्वायर, यहां पर रखें 10 इंटू आर कितना दिया है 1 मीटर, माइनस एफ इंटू 1 मीटर इज इक्वल्स टू 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, एम की वैल्यू कितनी है 5, आर की वैल्यू 1, यहां रख देते हैं एम की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू अल्फा, सही है। तो इक्वेशन बनेगी 10 माइनस एफ इज इक्वल्स टू 5 से 5 मर गया 2 अल्फा, सेकेंड इक्वेशन, सही है। थर्ड इक्वेशन खुद से बोल रहे हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग, मतलब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो, जितना आगे उतना पीछे। तो थर्ड इक्वेशन इज, यहां लिखता हूं थर्ड इक्वेशन इज इक्वल्स टू आर अल्फा, सो अल्फा की जगह आप ए बाई आर पुट कर सकते हो, यहां पे पुट कर दो। पहली इक्वेशन है 10 प्लस एफ इज इक्वल्स टू 5 है, दूसरी हो जाएगी 10 माइनस 5 सॉरी एफ इज इक्वल्स टू 2 अल्फा की जगह ए बटे आर, सही है। आर की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रखा, ये दो इक्वेशन मिल गई, दोनों को जोड़ दे भाई ए मिल जाएगा, खत्म। तीन इक्वेशन है ट्रांसलेशन रोटेशन, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, इक्वेशन नंबर थर्ड, यहां से अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर वहां रखा, खत्म। अब ऐड कर दो द बी कैंसिल इज इक्वल टू 7 ए, एक्सेलरेशन हो गया 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चलो यहां पर रख देते हैं 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर क्या पूछा है, अल्फा पूछा है, तो अल्फा क्योंकि प्योर रोलिंग है तो होगा ए बटे आर, आर की वैल्यू 1 है तो अल्फा ए के बराबर होगा, मतलब अल्फा होगा 20/7 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फिर पूछिए फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी इक्वेशन से निकाल दो, इस वाले से निकाल लें, इससे ए की वैल्यू रख दो 20/7 फ्रिक्शनल मिल जाएगा, करना है आओ यहां करे कहां करे कहां करे, छी इसको मिटा दो, क्लियर हो गया। इक्वेशन नंबर ट्रांसलेशन दो रोटेशन तीसरा ए इज इक्वल टू आर अल्फा, यहां मिटा दो। अब हमें फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने को बोला है, तो पहली वाली इक्वेशन उठा लो 10 प्लस एफ इज इक्वल टू 5 ए, ए की वैल्यू है 20/7 से, यहां से एफ की वैल्यू मिल जाएगी कितना हो गया पॉकेट फुल ऑफ रोजिज, कुछ गलत तो नहीं हुआ है, 10 + 20 = 5 + 2 = 7 ए इज इक्वल टू 20/7 सब सही है। तो f की वैल्यू मिलेगी 100/7 -10, सो f होगा 100 - 70 दैट इज 30/7 पॉजिटिव आ रहा, मतलब जो डायरेक्शन माना है वो सही है, फ्रिक्शन आ रहा मेरा 30/7 न्यूटन, क्लियर है, कोई गलती तो नहीं हुई। द बी पंडू टिंग बिंगा डिंगा डिंगा 10 इंटू 1 माइनस एफ इंटू 1 इज इक्वल टू 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर अल्फा, 5 मरा 2 अल्फा, अल्फा की जगह ए बाई आर, 2 ए डिंग 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 टिंग डिंग 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 टिंग डिंग टिंग 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 टिंग, सही है पूरा, ओके क्लियर हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगला वाला आप खुद से करोगे पक्का, तो एक बार फ्रिक्शन जीरो आया, एक बार फ्रिक्शन पॉजिटिव आया, अगले सवाल में सर फ्रिक्शन नेगेटिव है होगा, बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं कि फ्रिक्शन को नेगेटिव कर दूं, कैसे भी सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। फिर से पूछेगा तुमसे वही वही, क्या व्हाट इज ए व्हाट इज अल्फा व्हाट इज एफ, चलो मान लेते हैं मेरे पास यहां पे क्या ले लें 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 क्या ले लें, फ्रिक्शन नेगेटिव मान ले कि रिंग है और रिंग का मास है 2 kg। अब देखना ध्यान से क्या करूंगा मैं, ये रिंग का सेंटर ऑफ मास, ठीक है मान लो सेंटर ऑफ मास से 1 meter नीचे यहां पे एक फोर्स लग रही 10 newton की,
1 मीटर सेंटर ऑफ मास से नीचे। रिंग का रेडियस है 2 मीटर्स। चलो अब बताओ कि अगर प्योर रोलिंग हो रही, अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग अगर की बात हमेशा चलेगी, तो इन सब की वैल्यूज क्या होगी। किया जाए यहां पे फ्रिक्शन मान लें, एक बार अपने आप पहले चाहो तो सॉल्व कर लो, एक बार अपने आप इसको पॉज करके पूरा सॉल्व कर लो, अगले क्वेश्चन से मैं ऑप्शन देना स्टार्ट कर दूंगा, इसको भी पहले सॉल्व कर लो चाहो तो अपने आप। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। यहां पे फ्रिक्शन क्या होगा, ऐसे मान ले आगे, देखो अभी तुम नए हो आगे मान रहे हो, ठीक है आ जाएगा आंसर, बहुत बढ़िया, पर अगर थोड़ा सा आपके अंदर लॉजिक हो, दिमाग हो, तो फ्रिक्शन पीछे लगाना पड़ेगा। समझाऊं, समझा भी देता हूं, हम आगे ही मान के सॉल्व कर देंगे आपके लिए। ये पॉइंट का एक्सेलरेशन आगे होगा, 10 न्यूटन लग रहा आगे भागे का, यानी ये पॉइंट आगे भाग रहा ए एक्सेलरेशन से, तो पीछे की तरफ आपको आर अल्फा चाहिए होगा, मतलब घुमाना इस तरह से होगा, क्लियर। 10 न्यूटन लगा, ए आगे लगा, तो आपको एक्सेलरेशन इधर ही चाहिए, घुमाने वाला एक्सेलरेशन, तभी तो आर अल्फा पीछे, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, 10 न्यूटन सेंटर ऑफ मास से नीचे, ये सेंटर ऑफ मास 10 न्यूटन, 10 न्यूटन सेंटर ऑफ मास के अबाउट किधर घुमा रहा, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज। क्या 10 न्यूटन ऐसे घुमाएगा, नहीं, ये सेंटर ऑफ मास है 10 न्यूटन, ढूढ़ यहां से चुमारा टूडू टूडू एंटी क्लॉकवाइज। और फ्रिक्शन भी भाई साहब आपने आगे लगा दिया, फ्रिक्शन भी आपने आगे लगा दिया, फ्रिक्शन भी किधर घुमाएगा, टू एंटी क्लॉकवाइज, और अल्फा किधर चाहिए, क्लॉकवाइज, तभी तो प्योर रोलिंग होगी। तो फ्रिक्शन लगाना पीछे चाहिए था, कोई बात नहीं, हम आगे लगाते हैं, नेगेटिव वैल्यू देख लेंगे। थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन में। अब ट्रांसलेशन मोशन, एक फोर्स आगे की तरफ 10, दूसरी फोर्स आगे की तरफ F, 10 प्लस F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास 2 है, वैल्यू रख देते हैं 10 प्लस F इज इक्वल्स टू 2A। इक्वेशन नंबर 1 ट्रांसलेशन मोशन से मिल गई। अब रोटेशन की बात करें तो रोटेशन टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। थोड़ा ध्यान देना, 10 का जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और F का जो टॉर्क है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, और जो अल्फा चाहिए वो क्लॉकवाइज चाहिए। तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें, जिधर अल्फा चाहिए उसको पॉजिटिव मान रहे थे, तो हमने कहा अल्फा तो भैया हमको ऐसे ही चाहिए, तब क्योंकि ए आगे है तो आर अल्फा पीछे ही चाहिए, और ये 10 वाला टॉर्क किधर बनाना, कुटूक एंटी क्लॉकवाइज, एफ वाला कुटूक एंटी, तो दोनों टॉर्क को नेगेटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको नेट टॉर्क क्लॉकवाइज चाहिए और ये दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, या तो आप फ्रिक्शन को पीछे मानते, वो आपने माना नहीं है। खैर आओ, सो 10 इनटू, अब 10 का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना है, 1, कैसा, नेगेटिव, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज और हमें चाहिए क्लॉकवाइज। माइनस कर लें एफ वाला भी, क्योंकि ये भी नेगेटिव, एफ इनटू ये डिस्टेंस कितना होगा आर के बराबर, आर कितना है 2, एफ इनटू 2 इज इक्वल्स टू आई अल्फा, सही है। रिंग की बात हो रही है तो आई होगा एम आर स्क्वायर, सो माइनस 10 माइनस 2f इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अल्फा। प्योर रोलिंग हो रही है सो a इज इक्वल्स टू आर अल्फा, इक्वेशन नंबर 3 भी यूज करनी होगी, यहां से अल्फा की वैल्यू a बाई आर यहीं पे पुट कर दें, अब तो अल्फा की जगह a बटे आर, एक r से एक r मर गया, वैल्यूज रखते हैं, आइए माइनस 10 माइनस 2f इज इक्वल्स टू m है 2, r भी है 2, a नहीं पता, सो माइनस 10 माइनस 2f इज इक्वल्स टू 4a, ठीक है, नेगेटिव साइन इधर से हटा के इधर लगा दें, कोई दिक्कत, 10 प्लस 2f इज इक्वल्स टू माइनस 4a लिख दिया, ठीक। ये अपनी बनी रोटेशन वाली सेकेंड इक्वेशन। अब a निकालना है, इन दोनों इक्वेशन को यूज कर लो, a मिल जाएगा, आ जाओ, 10 प्लस f इज इक्वल्स टू 2a, 10 प्लस 2f इज इक्वल्स टू माइनस 4a, क्या चाहिए, a चाहिए, पहले a चाहिए तो f को एलिमिनेट कर लें, कैसे एलिमिनेट होगा f, कैसे होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 2, और इसमें से ये माइनस कर दे, तो 20 माइनस 10
2f माइनस 2f जीरो, टू टू जा 4a माइनस ऑफ माइनस 4a दैट इज 8a, सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? मैंने कहा इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, तो 20 माइनस 10 10, 2f माइनस 2f जीरो, टू टू जा 4a प्लस 4a 8a, यहां से a मिला 10 बटे 8 दैट इज 5 बटे 4, सो a इज 5 बटे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड इज अल्फा, तो यार अल्फा निकालना तो बच्चे का खेल, a बटे r, a इज 5 बटे 4, r इज 2, तो 5 बटे 8, सो अल्फा इज 5 बटे 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट इज f, f इस इक्वेशन में a का वैल्यू पुट कर दो, f का वैल्यू मिल जाएगा, पुट किया जाए, ये मिटा दो, नोट कर लिया है, मिटा दो, ओके आओ। सो उस इक्वेशन में 10 प्लस एफ इज इक्वल टू 2a में a की जगह 5 बाई 4 रख देंगे, 5 बाई 4, 10 बटे 4, यहां से f इज इक्वल टू 10 बटे 4 माइनस 10, छी 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 छी, कितना होगा 10 माइनस 40, ओए राम रे राम, नेगेटिव आ गया, तो मैंने तो कहा ही था नेगेटिव आएगा, 10 माइनस 40 माइनस 30 बटे 4 माइनस 15 बटे 2 माइनस 7.5 माइनस 15 बटे 2, माइनस 15 बटे 2 का मतलब समझ गए आप, फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, तो अगर आप पहले से फ्रिक्शन पीछे लगाते तो भी ठीक होता यार, नेगेटिव नहीं आता पॉजिटिव आता, क्लियर है बच्चों? नोट कर लें इसको, फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं देख रहा था कैमरे में नीचे कितना दिखाई पड़ रहा, करीब करीब पूरा दिखाई पड़ रहा, वो 30 बटे 4 इज इक्वल टू माइनस 15 बटे 2 लिखा हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, जितने कंसेप्ट मैंने बता दिए, फोर्स यहां लगे कहीं भी लग सकती है, फ्रिक्शन को आप चाहे जिधर मान लो, पीछे मानना हो पीछे, आगे मानना हो आगे, मिटा दूं, ओके। ये सब चीजें बच्चों तब तक करना जब तक प्योर रोलिंग बोल रहा। एक बात और सुनो, प्योर रोलिंग तभी हो सकती जो ये फ्रिक्शन आया था माइनस 15 बटे 2, ये स्टैटिक होना चाहिए, नीचे वाला पॉइंट मूव ना कर रहा हो, मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब ये जो फ्रिक्शन आया है, जो फ्रिक्शन आया है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन, काइनेटिक फ्रिक्शन से कम हो। अभी आगे मैं एक क्वेश्चन दूंगा ऐसा जिसमें आपको चेक करना पड़ेगा। चलो, फोर्स की पोजीशन लगातार चेंज होती रहेगी, फोर्स की पोजीशन लगातार चेंज होती रहेगी। चलो एक हलवा सा सवाल देता हूं, किताब है श्री एचसी वर्मा की, सवाल है हल्का सा, उन्होंने सिर्फ ए पूछा था, मैं आपसे कहूंगा ए अल्फा एफ सब मुझको बताओ। सवाल था, यहां मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, आपकी बार आंसर आप दोगे, यहां मेरे पास क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, इस पे मैंने कैपिटल एफ फोर्स लगाई, ग्राउंड पे रखा है, मस्त प्यारा सा ग्राउंड, इसका मास m रेडियस r, क्या रेडियस की जरूरत नहीं है, फिर भी मास m रेडियस r, हमसे पूछा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, खैर मैं पूछ रहा हूं तीनों पॉइंट निकालो, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर प्योर रोलिंग हो रही, फोर्स यहां पे लग रही, तो मैं इसके चार ऑप्शन आपको दे देता हूं, a b c d, चार ऑप्शन है आपके, 3f by 5m, 5f by 6m, 10F by 7M, ऑप्शन डी 4F by 9M, M को बड़ा देख लें, अच्छा चलिए पॉज करके इसको ट्राई करिए आप, A निकालेंगे तो अल्फा और F तो अपने आप निकल ही आएगा, ओके सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। भैया पहला क्वेश्चन आया जिसे खुद से सॉल्व करना है, सॉलिड स्फीयर है, कर लिया, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, मैं करूं 1 2 3 4, मैं करने जा रहा, चलो मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं, आप चाहो तो अभी भी ट्राई कर लो, जब तक चार ऑप्शन में से कोई मैच ना करे तब तक सॉल्यूशन को आप नहीं देखेंगे, चले मैं स्टार्ट करता हूं। तो इस पॉइंट पे फ्रिक्शन को मैंने आगे माना, इसका एस्केलरेशन इधर, पहली इक्वेशन लिखूंगा एफ प्लस एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, रोटेशन वाली इक्वेशन लिख दूं सीधा, ये R, ये R, हम चाहते हैं अल्फा ऐसा हो क्योंकि A आगे है, R अल्फा किधर होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, सो रोटेशन F इंटू R क्लॉकवाइज है,
और ये वाला F into R एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्योंकि अल्फा क्लॉकवाइज चाहिए। क्लियर? F into R माइनस F into R इज इक्वल्स टू आई अल्फा। सॉलिड स्फीयर का आई कितना होता है? सॉलिड स्फीयर का आई होता है 2/5 mr². सो 2/5 mr² इंटू अल्फा, सही है। अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो अल्फा किसके बराबर होगा? अल्फा होगा a बाई आर के बराबर। तो अल्फा की जगह a बाई आर रखा, इस r से ये r मरा, इस r से ये मरा। सो दो इक्वेशन है, f प्लस f इज इक्वल्स टू ma, और दूसरी क्या है, यहां से r गया, यहां से r गया, यहां से r गया, यहां से r गया, a बचा, यानी 2/5 ma। ये दो इक्वेशन है, हमें a की वैल्यू चाहिए, तो फ्रिक्शन को एलिमिनेट करना होगा। जोड़ दिया दोनों को, f से f मर गया, 2f is equals to 2/5 ma plus ma, कितना होगा 5 और 2 7/5 ma, सही है। यहां से a की वैल्यू आपको मिलेगी, बोलो 5 इधर गया, 10f/7 m ऑप्शन है, यस ऑप्शन सी 10f/7 m। अब फ्रिक्शन वगैरह निकाल लोगे, a की वैल्यू से अल्फा मिल जाएगा a बाई आर से, और फ्रिक्शन की वैल्यू पहली इक्वेशन में आप a की वैल्यू को पुट कर दो तो फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल f। सारे आंसर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल f आएंगे क्योंकि अभी वैल्यूज नहीं दी, वेरिएबल है। क्लियर? पक्का? चलिए अगला सवाल, अब स्पीड पकड़ लें, समझ में आने लगा है अब तो, 45 मिनट्स हो गए कम से कम लेक्चर को चलते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे फिर से क्या पूछा है, ए अल्फा और एफ। यार एक क्वेश्चन तो मैं होमवर्क में दे देता हूं, यहीं पे एक क्वेश्चन होमवर्क का, होमवर्क का देखो, यहां पे मान लो एक मेरे पास शेल है, शेल बोले तो हॉलो स्फीयर, शेल बोले तो हॉलो स्फीयर, कहानी वही, यहां पे फोर्स एफ, मास इसका है एम, ठीक है, रेडियस नहीं दिया, मास एम है। चलो हमसे पूछा है इसका एक्सेलरेशन ए बताएं, होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे आंसर, ए बी सी डी। ऑप्शन है अपने पास 3f/5 m, 5f/6 m, 6f/5 m, 7f/5 m। चलिए इसको सॉल्व करके आंसर जो आए वो कमेंट कर दो, बस इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। मैंने हॉलो स्फीयर ले लिया, हॉलो स्फीयर का आई सबको पता है ना कितना होता है, कितना 2/3 mr², इसको खुद से सॉल्व कर लेना। क्लियर है? मिटार दूं आंसर, कमेंट करो क्या आ रहा, मिटा रहे होमवर्क क्वेश्चन, मिटार दें? हां सर मिटार दो, ओके। चलो मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, थोड़ी सी कहानी अब चेंज करता हूं प्यारे बच्चों। मान लो ये मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, प्यारा सवाल है ये, बहुत खूबसूरत, ये मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास हमको बोल रहा 10 kg है, इसके सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स लग रही 7 N की, ना ऊपर ना नीचे, सेंटर ऑफ मास पे 7 N की फोर्स लग रही। हमसे पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और रेडियस हमसे बोल रहा 2 meters है। आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, साथ में म्यू की वैल्यू भी दिया है 0.1। अब सोचो इसमें म्यू भी दिया है, कहानी कुछ होगी। ऑप्शन में दे रहा हूं ए बी सी डी। अब आप इसमें यह बोला नहीं कि प्योर रोलिंग हो रही कि नहीं, चलो क्वेश्चन को और अच्छा बनाता हूं, हमसे नहीं बताया प्योर रोलिंग हो रही कि नहीं, तभी तो म्यू दिया है, तभी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन भी लग सकता है। ए है मान लो मेरे पास 2 N, बी है मेरे पास 10 N, सी है मेरे पास 5 N, डी है मेरे पास 7 N। पॉज करके इसको ट्राई करें, देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है, और कंसेप्ट लगेगा इसमें, सोचना पड़ेगा कि आंसर जो आया वो क्यों आया। वैल्यूज मैंने सारी सही दी है, वैल्यूज में चेक करूं, मैंने सही दी है, जी हां सारी वैल्यूज सही है। चलिए ट्राई करिए। मम्मी भैया उड़ नहीं पाएंगे, भैया अडॉप्टेड हैं,
नहीं बिटवा बिटवा बिटवा, तो आप अडॉप्टेड नहीं है, आपने सारी चीजें सही से सीखी है, ऐसा नहीं है कि आप कंसेप्ट बीच में पकड़े हैं। सॉल्व हो गया, पॉज करके पहले एक आंसर आना चाहिए तब आगे बढ़ेंगे। चले हम सॉल्व करें, द करेक्ट आंसर इज 2 न्यूटन। जितने लोग का आया बधाई हो, चेक भी करना पड़ेगा। हाँ, आया तो सबका 2 न्यूटन है, 10 भी हो सकता था। अगर मैं सीधा फ्रिक्शन फोर्स निकालू, यहां पर मेरे से फ्रिक्शन फोर्स पूछी थी, अगर मैं सीधा फ्रिक्शन फोर्स निकालता बच्चों, सो म्यू इंटू एन से, मान लो कोई गवार आदमी एकदम म्यू इंटू एन से निकाल रहा, गवार या अनजान दोनों एक ही बात, तो यहां पे भाई इसका मास नीचे की तरफ, वेट नीचे लगता कितना, एम जी, 10 × g, मतलब 100 मान ले, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन एन, एन किसके इक्वल हो गया 100 के, तो एफ इज इक्वल टू म्यू एन, म्यू कितना है 0.1, एन कितना है 100, सो उस बंदे का आंसर आता 10 न्यूटन। खुशी खुशी वो एग्जाम में 10 मारता और खुशी से अपने 4 नंबर गवाता, साथ में -1 अलग करा देता, है ना भाई, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन लगाता, बोलता नॉर्मल रिएक्शन ये है, फ्रिक्शन की वैल्यू ये होगी। पर ये तो तब होगी जब प्योर रोलिंग नहीं हो रही, जब बॉडी का ये वाला पॉइंट भी स्लिप कर रहा, जब ये घिस के चल रहा, स्लिप कर रहा, जब रिलेटिव मोशन है तब ये वाला फ्रिक्शन आएगा, वरना स्टैटिक। तो चेक करना पड़ेगा कौन सा मोशन हो रहा, इसको मिटा दें, मैंने गलती बताई क्या हो सकती थी, आपने नहीं की क्योंकि आप इतनी देर से लेक्चर पढ़ रहे थे। अगर आप लेक्चर नहीं पढ़ रहे होते तो आप भी एफ इज इक्वल टू म्यू एन लगाने के लिए बेकरार रहते एकदम, भाई अपना तो होता ही है ना एफ इज इक्वल टू म्यू एन लगाओ, हम बेकरार होते हैं फिजिकल टू म्यू एन लगा के खेल खत्म करें। आइए हम मानते हैं एफ किधर लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, क्या आगे, शायद पीछे लगे, पता नहीं, मैं दिमाग लगा लूं अब, चलो मैं दिमाग लगाता हूं, आपको रियलाइज कराता हूं। देखो इस फोर्स की वजह से एस्केलरेशन आगे मिलेगा, एस्केलरेशन यानी इस पॉइंट का आगे होगा, तो आपको आर अल्फा पीछे चाहिए होगा, अल्फा ऐसा होना चाहिए, ठीक, मतलब टॉर्क क्लॉकवाइज हो, ये फोर्स कितना टॉर्क बनाएगा 0, ये फोर्स किससे पास किया सेंटर ऑफ मास से, इसका कोई टॉर्क नहीं, यानी अब टॉर्क की जिम्मेदारी पूरी तरह से फ्रिक्शन के ऊपर, फ्रिक्शन को कैसा टॉर्क चाहिए क्लॉकवाइज, अगर मैं फ्रिक्शन को आगे लगाता तो फ्रिक्शन कैसा टॉर्क देता, ये मान लो आर, फ्रिक्शन कैसा टॉर्क देता एंटी क्लॉकवाइज, ये तो टॉर्क बनाने से रहे सेंटर ऑफ मास पे लग रहे, टॉर्क चाहिए क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन अगर तुम आगे लगाओगे तो टॉर्क कैसा मिलता एंटी क्लॉकवाइज, चाहो तो कर सकते हो ऐसे, नेगेटिव आएगा, पर अगर यार दिमाग है अपने पास तो फ्रिक्शन को क्यों ना पीछे लगा ले, जब अपने को दिख गया कि कहानी ऐसी चाहिए मुझको तो मैं फ्रिक्शन को पीछे लगा लूं, पीछे लगाने से क्या होगा फ्रिक्शन को बोलो, अब इस पॉइंट के अबाउट, अब इस पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन कैसे घुमाएगा ऐसे क्लॉकवाइज, मतलब अल्फा की जो कहानी है उसको फ्रिक्शन सेटिस्फाई कर देगा। इक्वेशन बनाए, लीनियर मोशन की इक्वेशन बोलो, एक फोर्स एफ आगे और फ्रिक्शन की फोर्स पीछे, तो इक्वेशन बनेगी एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, बोलो ठीक है, फ्रिक्शन आगे, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स आगे फ्रिक्शन पीछे, एफ की वैल्यू रख दो 7, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है माइनस एफ, एम कितना है 10 × a, इक्वेशन नंबर 1। टॉर्क की इक्वेशन बनाए, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, इनकी वजह से टॉर्क कितना होना है 0, सेंटर ऑफ मास, इनकी वजह से टॉर्क क्लॉकवाइज और रोटेशन भी चाहिए क्लॉकवाइज, अल्फा भी, एफ इंटू आर टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, सॉलिड स्फीयर का आई 2/5 mr² 2/5 mr² इंटू अल्फा, बोलो सही है, इस r से ये r मर गया, तो इक्वेशन बन रही है, और मास की वैल्यू भी रख दो, मास कितना है 10 kg, तो मास की जगह मैंने रख दिया, चलो यहां रखता हूं f इंटू आर इज इक्वल टू 2/5, मास की जगह 10, एक रेडियस कट गया है, एक रेडियस बचा 2 × α, सही है, ये रेडियस कट चुका है, ठीक है, सो एफ इज इक्वल टू आ रहा 5 × 2 = 10, 2 × 4 = 4 × 2 = 8 α, अभी मैंने अल्फा इज इक्वल टू a/r नहीं रखा क्योंकि नहीं दिया है प्योर रोलिंग, चेक करना पड़ेगा प्योर रोलिंग हो रही कि नहीं हो रही, क्लियर है यहां तक, सब सही किया है, टॉर्क एफ आर इज इक्वल टू
आई अल्फा, आई इज 2/5 हमारा स्क्वायर अल्फा, आर से आर हमारा 2/5, एम की जगह 10, आर की जगह 2 अल्फा, ठीक है। F is equals to 8 alpha. So second equation जो मिल रही है मैं उसको लिख लूं, F is equals to 8 alpha. This is our equation number 2. अब पता नहीं प्योर रोलिंग हो रही कि नहीं, मान लेते हैं अगर प्योर रोलिंग हो रही, अगर प्योर रोलिंग हो रही तो कंडीशन क्या होगी कि जो फ्रिक्शन आ रहा दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 न्यूटन. 10 कौन सा फ्रिक्शन था अपना, लिमिटिंग वाला, काइनेटिक से जस्ट पहले लिमिटिंग. अगर फ्रिक्शन की वैल्यू 10 के ऊपर चली जाएगी तो हम समझ जाएंगे प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं. हम अज्यूम कर लेते हैं कि प्योर रोलिंग हो रही, और प्योर रोलिंग अज्यूम करके फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं. अगर फ्रिक्शन की वैल्यू 10 से छोटी आई तो ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, और अगर 10 से बड़ी आई तो मतलब गलत है, वो तो हो ही नहीं सकती, इससे ज्यादा फ्रिक्शन मिल नहीं सकता, तो हम समझ जाएंगे प्योर रोलिंग नहीं हो रही. चलो, तो हमने अज्यूम किया प्योर रोलिंग हो रही, अज्यूम के साथ अल्फा की वैल्यू हो जाएगी ए बटे आर, की वैल्यू रख देंगे हम a बटे r, r कितना है 2, सो अल्फा की जगह a by 2, अल्फा की जगह a by 2, 2 4 जा 8, सो 4a आ जाएगा, ये सही है, 8 अल्फा था, अल्फा की जगह a by 2 4a, f की वैल्यू 4a, और एक इक्वेशन ये रही 7 minus f is equals to 10a, दोनों को सॉल्व किया जाए, कहां करें यहां कर लें, मिटा दें, चलिए यहां कर लेते हैं, सब इंफॉर्मेशन तो है अपने पास. So, पहली इक्वेशन है 7 माइनस एफ इज इक्वल्स टू 10 ए, और दूसरी इक्वेशन है एफ इज इक्वल्स टू 4 ए. हमें किसकी वैल्यू चाहिए इस बार, एफ की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से ए की वैल्यू हो जाएगी एफ बाई 4, और यहां पुट कर देते हैं, तो ए की जगह पुट कर दिया एफ बाई 4, सही है. So, यहां से 7 माइनस एफ इज इक्वल्स टू 5 एफ बाई 2, तो यहां से f इधर चला गया, 7 इज इक्वल्स टू 5 एफ बाई 2 प्लस एफ, 2 एफ प्लस एफ 7 एफ बाई 2, 7 से 7 मर गया, f की वैल्यू आई 2 न्यूटन्स, एंड यस 2 न्यूटन इज लेस देन 10 न्यूटन, तो प्योर रोलिंग पॉसिबल है. कई लोग ने आंसर सही निकाल दिया था, पर लॉजिक क्या थी, मान लो इस कैलकुलेशन से, मैंने ये सब क्यों बताया, मान लो इस कैलकुलेशन से f की वैल्यू 12 न्यूटन आती, तो 12 ऑप्शन होता तो मार मत देना, वैसे तो है नहीं, अगर ऑप्शन होता तो मार मत देना 12, तब आप समझ जाना कि प्योर रोलिंग नहीं हो रही, क्योंकि जो फ्रिक्शन आया वो लिमिटिंग से ज्यादा है, मतलब घिसना स्टार्ट हो गया. अगर घिसना स्टार्ट हो गया तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर रुक जाएगा, और तब आंसर सच में 10 न्यूटन भी हो सकता था. तो दिमाग लगा के चलना, क्योंकि यहां बोला नहीं है कि प्योर रोलिंग हो रही, जिस क्वेश्चन में बोल दे प्योर रोलिंग वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पे तो धड़ल्ले से आप क्या लिखो, a इज इक्वल्स टू r अल्फा, यहां नहीं बोला था तो यहां चेक करो, a इज इक्वल्स टू r अल्फा रख के चेक किया, फ्रिक्शन की जो वैल्यू आई वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है. अगर ये ज्यादा आती तो खेल खराब होता, ज्यादा आने का मतलब था कि इतनी फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर रहेगा, बॉडी रोलिंग नहीं कर रही, क्लियर. एक खूबसूरत सवाल था ये, क्लियर हुआ एकदम. चलिए भाई, ये सवाल ऐसे भी बन सकता था, दिस बॉडी इज इन, चार ऑप्शन दे देता है ना, क्या देता, स्लिपिंग फॉरवर्ड, सेकंड ऑप्शन स्लिपिंग बैकवर्ड, थर्ड ऑप्शन प्योर रोलिंग, फोर्थ ऑप्शन डिपेंड्स अपॉन समथिंग, डिपेंड्स अपॉन कुछ दे देता, डिपेंड्स अपॉन दिस और दिस, नन ऑफ द अबव, ऐसा भी कर सकता था, पूछ लेता कि इसमें प्योर रोलिंग हो रही कि नहीं हो रही. तो अगर फ्रिक्शन की वैल्यू नोट कर लो, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में है, मतलब लिमिटिंग से कम, तब भी तक प्योर रोलिंग होगा, a is equals to r alpha, अगर नहीं दिया सवाल में तो रख के चेक कर लो a is equals to r alpha, अगर जो फ्रिक्शन आ रहा वो मैक्सिमम से कम है तो प्योर रोलिंग है, मैक्सिमम से ज्यादा तो उतना फ्रिक्शन हो नहीं सकता, बॉडी घिसने लगी. लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन, मान लीजिए यहां पे एक बॉडी है, स्फीयर है, रिंग है, डिस्क है, कुछ नहीं पता, इस पे एक फोर्स ऐसे लग रही F1, एक फोर्स ऐसे लग रही F2, फेमस सवाल है, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस 2R है, ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही बनाया है समझ के लिए, ठीक है, ऐसा कोई अंदर स्ट्रक्चर नहीं है, मैंने दिखाने के लिए कि एक F की फोर्स यहां से R डिस्टेंस नीचे लग रही और एक F की फोर्स यहां से 2R डिस्टेंस ऊपर लग रही, कौन सी बॉडी है हमको इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं. इस बॉडी का मास M है, रेडियस दिख ही रहा है 2R, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है,
अबाउट सेंटर ऑफ मास, पूरी बॉडी का, पूरे बड़े वाले स्फीयर डिस्क रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। ठीक, हमसे कह रहा फाइंड द, प्यारा सवाल है, रेशियो ऑफ एफ वन बाई एफ टू सच दैट देयर इज नो नीड ऑफ फ्रिक्शन फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। मतलब प्योर रोलिंग हो पर फ्रिक्शन की जरूरत ना पड़े, ये दोनों फोर्स आपस में ही कहानी को मैनेज कर ले। चार ऑप्शन है, सॉल्व करके खुद से कमेंट कर लें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन भी चाहो तो देख लो। चार ऑप्शन में देता हूं, ए बी सी डी। सो फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए, पहली वैल्यू हमें दी है एम आर स्क्वायर प्लस आई, नीचे फोर एम आर स्क्वायर माइनस आई, दूसरी वैल्यू टू एम आर स्क्वायर प्लस आई, नीचे फोर एम आर स्क्वायर माइनस आई, तीसरी वैल्यू एम आर स्क्वायर प्लस आई, नीचे फोर एम आर स्क्वायर प्लस आई, टू एम आर स्क्वायर प्लस आई, फोर एम आर स्क्वायर प्लस आई। ये चार ऑप्शन हैं, ट्राई करें, प्यारा सवाल है, बोला है कोई फ्रिक्शन की जरूरत ना पड़े, ट्राई करें इसको, पॉज कर लें। क्लियर हो गए हैं फोर्स वगैरह के कंसेप्ट, क्या क्या करना है प्योर रोलिंग में, एक ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन, एक रोटेशनल की इक्वेशन, एक ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा तब लगेगा जब प्योर रोलिंग हो रही हो, फ्रिक्शन की वैल्यू जो आएगी वो लिमिटिंग से कम होनी चाहिए, यहां पे तो खैर बोला है फ्रिक्शन नहीं है, सॉल्व करा जाए। चलिए मान लेते हैं इसका एस्केलरेशन आगे की तरफ ए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एक दो तीन चार, चल तो लीनियर मोशन ट्रांसलेशन एफ प्लस एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सही है, एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल टू एम ए। दूसरी इक्वेशन, भाई साहब इसकी एस्केलरेशन ऐसे आगे है क्योंकि दोनों फोर्स आगे हैं तो ये आगे जाना चाह रहा, यानी ये पॉइंट ए एस्केलरेशन से आगे जाएगा तो डेफिनेटली आर अल्फा पीछे चाहिए होगा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए, मतलब अल्फा का डायरेक्शन ये होगा, मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। इसका टॉर्क देखो क्लॉकवाइज है इसके अबाउट, और इस वाली फोर्स का टॉर्क सेंटर के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा, फ्रिक्शन वाला गेम ये कर रहा इस बार। सो एफ वन इंटू इसका डिस्टेंस कितना है 2r, ये पॉजिटिव लिया क्योंकि ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, माइनस एफ टू इंटू इसका डिस्टेंस कितना है r इज इक्वल्स टू आई अल्फा, आई की वैल्यू क्या है नहीं पता, आई दे रखी है, प्योर रोलिंग हो रही है, अल्फा इज इक्वल्स टू ए बाई आर। अब अल्फा की वैल्यू यहां पे क्या रख दो, ए बाई आर रख दो, ठीक है, यहां से ए की वैल्यू निकालकर यहां पे पुट कर दो, एफ वन एफ टू का रेशियो मिल जाएगा, बस खत्म यही है, यहां से ए की वैल्यू निकालो एफ वन प्लस एफ टू बाई एम, यहां पुट कर दो एफ वन इंटू टू आर माइनस एफ टू इंटू आर इज इक्वल्स टू आई, ए की जगह एफ वन प्लस एफ टू डिवाइडेड बाई एम, ए की जगह ये वैल्यू रखी एफ वन प्लस एफ टू डिवाइडेड इंटू आर। अब इसको सॉल्व कर लो यार, एफ वन बाई एफ टू का रेशियो निकाल लो, सो द फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी बी, इसको खुद से करने की कोशिश करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो आगे, ठीक है, एफ वन बाई एफ टू का रेशियो। सो ये था आज का लेक्चर जिसमें प्योर रोलिंग के अंदर फोर्सेस से रिलेटेड जितने कंसेप्ट थे मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताने की कोशिश करी, शायद मुझे इस पे एक वीडियो और बनाना पड़े जिसमें इसके आए हुए जेई के क्वेश्चंस में कराऊं, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।